अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अकरम अली और आज हम करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 का वाटर टेस्ट। इस डिवाइस को पाकिस्तान की मार्केट में 58,000 रुपीज़ की प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी मज़ेदार किस्म के हैं, जिनमें 6.5 इंचेस सुपर एमोलेड का पैनल विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस है, 5 होल कटआउट है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, टाइप सी की कनेक्टिविटी है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, गोल्डन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट पे, और उसके अलावा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। तो लेकिन इस फ़ोन की जो IP रेटिंग है वो 67 है, बट स्टिल हमें टेस्ट करना है इस डिवाइस को। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो जल्दी से चलते हैं जी हम इस डिवाइस के वाटर टेस्ट की तरफ और देखते हैं कि डिस्प्ले टाइम का क्या सिनेरियो है। अब फ़ोन का सीन कुछ यूँ है कि फ़ोन बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है। हाँ जी, मैं देखना चाह रहा था, और यहाँ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो हम लोग टाइम आउट करते हैं स्टार्ट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। 3, 2, 1 गो। दोस्तों, IP67 रेटिंग के साथ आता है ये फ़ोन, और इस फ़ोन के बारे में ये कहा जाता है कि 30 मिनट तक 1 मीटर की वाटर डेप्थ के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर ना पानी जाएगा ना इसे कोई डैमेज होगा। बट स्टिल मैं कभी भी आप लोगों को इनक्रेज नहीं करता कि आप लोग इस तरह के टेस्ट घरों में परफॉर्म करें और फिर उसके बाद आपकी डिवाइसेस ख़राब हो जाएं। ये जो टेस्ट हो रहा है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए है कि IP67 रेटिंग का क्या मतलब है, और अगर फ़ोन गलती से पानी में गिर जाता है तो वो कितनी देर तक सर्वाइव करता है। अंडर वाटर शूटिंग भी कर सकते हैं आप लोग, यानी पानी के अंदर कैमरा यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट विद एवरी डिवाइस। जिस डिवाइस का मैं बताऊं कि इसकी रेटिंग है सिर्फ उसी के साथ। तो 1 मिनट का वक्त कंप्लीट हुआ चाहता है, हम इसको करते हैं पॉज, फ़ोन को निकालते हैं बाहर और फ़ोन को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि हमें यूजेज वगैरह के अंदर कोई मसला ना हो। तो अब हम करेंगे इसके कुछ टेस्ट, जिनमें आता है जी फिंगरप्रिंट टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट और यूजेबिलिटी टेस्ट और कैमरा टेस्ट, साउंड टेस्ट, बैटरी टेस्ट। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी मसला नहीं देखने को मिल रहा। एक दफ़ा दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फ़ोन का बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। टच की बात करें तो टच भी यहाँ पर ठीक है। किसी किस्म का मुझे तो कोई मसला देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल ओके, सारी एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं। वॉल्यूम रॉकर्स की बात करें तो वो भी ओके है, और अगर साउंड को हम लोग टेस्ट कर लें जल्दी से तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या सिनेरियो है। ओहो, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डिवाइस इज़ कि इवन IP68 वाली डिवाइस को भी जब पानी से निकालो तो इतना ऊंचा साउंड नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे आपके पास जो साउंड है वो काफ़ी मज़ेदार आ रहा है इवन आफ्टर वाटर टेस्ट। तो कैमरा टेस्ट कर लेते हैं जी इस डिवाइस का। कैमरा के अंदर भी हमें किसी तरह का कोई डॉट, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई ग्रेन्स नहीं आ रहे, मतलब कैमरा सिस्टम भी ओके है। तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्जिंग की। जी हाँ जी, तो दोस्तों फ़ोन चार्ज भी हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला देखने को नहीं मिल रहा। तो दिस टाइम ए सीरीज़ ने काफ़ी हमें हैरान और परेशान किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी इनोवेशंस और अच्छी इम्प्रूवमेंट्स के साथ सैमसंग आया है। ए सीरीज़ की अगर आप A51 को चेक करें तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ थे, कम मेगापिक्सल वाला कैमरा था और ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर भी नहीं था, बट दिस टाइम दे हैव इंक्लूडेड IP67 रेटिंग, और वो भी काफ़ी मज़ेदार ड्यूरेबल टाइप की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह कॉन्टेंट बनाने में।
तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।